क्या हो गया भाई ये। अरे सब कुछ पानी में बह गया, ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ भाई। चल भाई हो गए नडी। सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस एक्शन, वेलकम बैक टू अनदर रिफ्रेश व्लॉग। हाँ पता है मुझे, मैं इस बार ऐसे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि मेरे गोप्रो में मैंने माइक का सेटिंग कुछ और ही कर दिया था और बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुआ कुछ भी, तो इसलिए ऐसा शुरू करना पड़ रहा है। वैसे सुबह सुबह फुल मूड में थे, फुल एकदम एक्साइटमेंट में थे कि हम लोग जा रहे हैं, बहुत दिनों बाद पहली लंबी राइड होने वाली थी, मतलब लंबी राइड हो गई थी मेरी ऑलरेडी। धारवाड़ से जब बेंगलुरु लेके आ गया था मैं अपना बाइक, तभी बहुत लंबा राइड हो गया था, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स के करीब। बट ये वाला जो था, ये वाला हिल स्टेशन पे पहली बार था। वैसे मैं सोच रहा था कि धारवाड़ से बेंगलुरु आने तक का वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो वाला राइड कुछ अलग था, क्योंकि मैं शाम में स्टार्ट किया था और रात में भी मॉर्निंग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में बेंगलुरु पहुँचा था, तो मेरा प्लान था करने का। लेकिन क्या हो गया, जैसे ही मैंने हुबली क्रॉस किया, लो भाई बारिश इतना ज़ोर से शुरू हुआ कि क्या बताऊँ मैं, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। इसलिए सब कुछ पैक करके अंदर रख दिया और मुझे सबसे पहले बेंगलुरु पहुँचना था, तो सबसे पहला प्रायोरिटी वही था मेरा, तो इसलिए मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया। तो डायरेक्ट यहीं आके, बेंगलुरु आके मैंने वीडियो करना स्टार्ट किया एक्सपल्स पे। वैसे जब हम सुबह सुबह निकले थे तो बारिश फिर से हो रहा था, मतलब एक आई डोंट नो कोइंसिडेंस हो सकता है ये, कि मैं जब भी मैं एक्सप्रेस लेके निकल रहा हूँ बाहर, मतलब कहीं घूमने के लिए लॉन्ग, जैसे 50-60 किलोमीटर के ऊपर जब मैं डिस्टेंस कवर करने की सोचता हूँ, बारिश ऑटोमेटिकली आ जाता है। पता नहीं क्या है, लगता है कि बारिश को भी पसंद नहीं है मेरा एक्सप्रेस क्लीन रहे इतना, मतलब एवरी सिंगल टाइम पूरा का पूरा लाल लाल हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है ये वाइट कलर है तो पूरा रेड हो जाता है जब भी मैं ऐसे रोड ट्रिप पे निकलता हूँ, और जब हर टाइम मुझे बारिश मिल रहा है। तो भाई सुबह सुबह हम लोग निकले करीब 7 बजे, वैसे मैं 5 बजे उठ गया था, लेकिन बारिश अभी भी थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हो रही थी। मेरा दोस्त अनिकेत जल्दी आ गया था, होसुर रोड से ही जाना था, तो उसको मैंने बुलाया, भाई तू बनशंकरी से इधर ही आ जा, यहीं से निकल जाएंगे। तो मैं ऑन दी वे था, तो मैं वो मेरे पास आ गया, मैं 6 बजे तक रेडी हो गया। 6 बजे से निकलते निकलते 7 बज गए, तो अभी 7 बजे हम निकले। 7 बजे तो हम निकल गए, लेकिन मुझे डाउट था कि ट्रैफिक ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जब मैं पौंडीचेरी गया था तो इसी रूट से गया था, और सुबह सुबह ट्रैफिक मिल जाता है इफ़ यूर अगर आपका टाइम 7 बजे से ऊपर है तो। और ऐसे ही पेट्रोल भी हम लोगों ने इधर से भरवा लिया इंडियन ऑयल से। तो भाई जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पूरा का पूरा रोड हमको गीला गीला ही मिला। ये गीला रास्ता हमको मिला होसूर तक, कर्नाटक के बॉर्डर के एंड तक हमको पूरा का पूरा रोड पूरा गीला था, और पानी इधर उधर से उड़ रहा था, सामने के कार से उड़ रहा था, ट्रक से उड़ रहा था। तो ये वॉइस ओवर मैं पहली बार कर रहा हूँ, बताना कि कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो कभी कभी मैं वॉइस ओवर बीच में ऐड भी कर दिया करूँगा, तो बता देना। तो सुबह सुबह बिना नाश्ता किए हुए निकले थे, कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, तो फिर हमारा पेट हमको पुकारने लगा, भाई मुझे तो तूने खाली छोड़ दिया, तो पेट पूजा करना तो बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पहुँच गए नाश्ता करने के लिए, तो हमने करीब करीब हाफ एन आवर के आसपास टाइम स्पेंड किया नाश्ता करने के लिए। अच्छा खासा ज़बरदस्त नाश्ता था, तो खा के निकले। और बीच में हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, ये डॉगी जो आप देख रहे हैं, इसको टू व्हीलर वालों से कुछ ज़्यादा ही खास प्यार था, पता नहीं क्यों। लेकिन जो भी टू व्हीलर वाला आ रहा था या फिर जा रहा था उसको देख देख के भोग रहा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं किया, मैं स्लो चला रहा था। जो भी फास्ट चला रहा था उनकी पता नहीं उसको किस बात का गुस्सा था उन लोगों पे। तो फाइनली हमको सूरज देवता के दर्शन हो ही गए, और बहुत सारे ड्राई रोड्स भी थे, और ये वाला रोड था कृष्णगिरी तक बिल्कुल मक्खन सा रोड, और
जहाँ तक मुझे याद है कृष्णगिरी से जब पौंडीचेरी जाते हैं तभी रोड बेकार है, बाकी सेलम का रास्ता मैंने कभी नहीं लिया तो वो वाला रास्ता भी अनएक्सप्लोर था। तो ऑलमोस्ट हम लोग सेलम पहुंच चुके थे, सेलम यहाँ से करीब करीब 15 किलोमीटर था और ऑलमोस्ट 11 बज चुके थे, 11 या फिर 11:30 जहाँ तक मुझे याद है। और हम तीनों ही एक एक डायरेक्शन में खो गए थे, एक आगे था, एक मैं बीच में था और एक पूरे पीछे था। तो थोड़ी देर बाद मेरी रोहित से बात हो गई और रोहित और मैं साथ हो गए। फिर मुझे पता चला कि अनिकेत अभी पीछे है, अनिकेत पीछे था तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो किसी कैफ़े में रुकते हैं, थोड़ा चिल मारेंगे और वहाँ से देखेंगे अनिकेत का वेट करेंगे। और हम एक कैफ़े में रुक भी गए और वहाँ पे रोहित का कुछ ऑफिस का काम था तो उसको निपटाना था, वहाँ पे हम लोग बैठे करीब करीब 20 आधा घंटा शायद हाफ एन आवर या फिर 45 मिनट्स का टाइम हमने स्पेंड किया और हम लोग अनिकेत का वेट कर रहे थे। अनिकेत को हमने लाइव लोकेशन भेजा था लेकिन अनिकेत आगे निकल गया, सो इतना आगे जा चुका था कि हम लोगों का करीब करीब 10-12 किलोमीटर्स का कुछ डिफरेंस था, क्योंकि वो बीचों बीच सेलम के बीचों बीच पहुंच चुका था। तो हम लोगों ने बोला भाई वापस मत आ, वहीं पर रुक जा या फिर स्लोली चला ले वेरकार रोड के एंट्रेंस तक। तो हम लोग भी फाइनली पहुंच ही गए सेलम सिटी के अंदर। तो ये बाजू में एक फ्लाईओवर था और हमको यहाँ से लेफ्ट लेना था। माइक का मोड पता नहीं क्या रख दिया था, ये एक ऑडियो तक रिकॉर्ड नहीं हुआ भाई, स्टार्टिंग से बहुत बुरा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी देखा अच्छी बात है, बाद में देखता ना तो बहुत दिल को बुरा लगता भाई। इस रोड पे अगर मेरा एक्सपीरियंस मैं ढंग से शेयर नहीं कर पाता ना तो क्या ही शेयर किया। पहला हेयरपिन टर्न, अरे वाह मज़ा आ गया, हेयरपिन बेंड। चलो भाई ऑन रोड 30 किलोमीटर साइकिल ऑफ रोड, ओके चलो। नहीं हमारे लिए नहीं। बाइकर्स का अपना ही फायदा है भाई साहब। तो भाई एयरकार्ड है यहाँ से 17 किलोमीटर, पता नहीं यार साउंड कैसे आ रहा होगा। अरे भाई सामने मत आना वैसे, अरे वाह यार उसका परफॉर्मेंस बहुत सही है यार। दोपहर में आ गए यार हम लोग, कोई नहीं चलता है आराम से आराम से। जो भी, अरे वाह क्या बात है क्या बात है। वाह मस्त आएगा भाई। भाई ऐसा कुछ नज़ारा है भाई, मैंने माइक्रोफोन निकाल दिया फिलहाल। वो सच में होटल ही है क्या ऊपर? अरे वाह क्या बात है, सही है भाई सही है एकदम सही। तुम लोगों के साथ देख के फायदा, समझ रहे हो आप? हाँ तो भाई हमारा प्यारा गोप्रो फिर से हैंग हो गया था, इसको हैंग होने की गंदी आदत है। मैं हैंग होऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही। अरे यार क्या करे, अरे दो हेयरपिन मिस हो गए भाई इसके चक्कर में। मैं देख रहा हूँ अरे यहाँ पे एक नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा वाटरफॉल, मुझे पता नहीं है वाइड एंगल कैप्चर कर पाएगा या नहीं पता नहीं, लेकिन है वहाँ पे 7 नंबर। अभी ऐसे 13 बचे हुए हैं। हेयर पिन नंबर कौन सा है ये? हेयर पिन 8 है ये वैसे। हाँ आई यूज टू गेट यूज टू इट देन आई कैन राइड इट परफेक्टली। अरे वाह अंकल जी तो मस्त चला रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सही बात है भाई, एक्सपीरियंस
वैसे मुझे एक्सपर्ट के साथ उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो इसीलिए थोड़ा गियरिंग रेशियो वगैरह कुछ थोड़ा देखना पड़ रहा है, सीखना पड़ रहा है। हेयरपिन नंबर 9, अरे चलो ठीक है, नंबर 2 पे डालते हैं। 10 किलोमीटर हेयर कार, 10 किलोमीटर सर्दी लगना शुरू हो गया। अरे वाह, BMW, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक और हेयर बैंड, हेयर पिन बैंड, हेयर पिन बैंड नंबर 7-11, सॉरी नॉट 7-11। सीकर है तू, अटेंशन सीकर। फोर्टीन है ना, अरे जीप वाले भाई साहब, टर्निंग रेडियस सही है भाई जीप का, मतलब सही लगा मुझे। इतना खूबसूरत नज़ारा कैसे मिस कर सकते हैं यार, ये देखो यार क्या खूबसूरत है यार, ये ब्यूटीफुल यार, वेरी ब्यूटीफुल, मज़ा गया। ये पता नहीं कौन सा प्लांटेशन है, प्लांटेशन किया लास्ट टाइम मैं चिकमगलूर गया था ना, बिल्कुल सुबह सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा ही था, सुबह का नज़ारा बिल्कुल ऐसा था। बाद में टाइम आफ्टरनून के टाइम वहाँ पे भी गर्मी शुरू हो गई थी वैसे, लेकिन यहाँ पे उतना गर्मी नहीं हो रहा अभी फिलहाल। कितना गया, ये 1:30 बज चुके हैं भाई। अरे यार हम लोग कहाँ सुबह 10 बजे आके चेक इन करने वाले थे, 1:30 बज गए। चलो भाई सही है, लेट हुआ तो भी ठीक ही है ना, उतना कुछ ये नहीं है। अरे स्नेक है, 17 नंबर हेयर पिन बैंड, 17 नंबर। अरे ड्रोन होता तो मज़ा आ जाता यार, यहीं पे खड़ा होकर ऊपर तक लेके जाते और ऊपर से इतना खूबसूरत दिखता है। वैसे YouTube पे बहुत लोगों ने डाल चुके हैं, वैसे मैं भी डालता, उड़ाने में मज़ा आता, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उतना ज़्यादा हवा नहीं चल रहा है। यहाँ पे है हवा, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, है बिल्कुल है, पर उतना ज़्यादा नहीं है। क्या कुछ वाटरफॉल्स हुआ होगा, अरे हाँ है वहाँ पे, अभी बारिश का सीज़न है नहीं ना, तो उतना ज़्यादा बारिश नहीं आ रहा है तो ठीक है। 18, ओके बड़ी, ओके। अरे कौन बोल रहा था यार, कर्व्स में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैंने बहुत लोग बोलते हैं सुना है, कॉन्फिडेंस नहीं देता एक्सपल्स उतना क्योंकि बड़े व्हील हैं। भाई वो मिथ है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है ये, सच बता रहा हूँ, एकदम बढ़िया कॉन्फिडेंस देता है, ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं देता। अब मैं तो आराम से लीन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे लिए, बाकियों का मुझे पता नहीं भाई, लेकिन मैं तो आराम से कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस भर के कॉन्फिडेंस आ रहा है। मतलब बहुत सारे यूट्यूब रिव्यूअर्स ने बोला है और बहुत सारे ओनर्स ने भी बोला है, शायद वो लोग कोई बड़ा बाइक ओन करते होंगे जिनको ए लेवल का, मतलब उस लेवल का ग्रिप इस पे नहीं मिलता होगा, तो इसलिए वो लोग बोलते हैं कि इस पे उतना ग्रिप नहीं मिलता, लेकिन भाई इसमें भी अच्छा खासा ग्रिप मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है। बहुत लोग ये मिथ फैला देते हैं कि बड़े व्हील्स अच्छा ग्रिप नहीं देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत अच्छा ग्रिप देते हैं, इस पे तो बहुत अच्छा ग्रिप मिल जाता है मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो दोनों जाके पहुंच भी चुके होंगे वैसे। हाँ, हेयर पिन नंबर 19। चलो भाई डायरेक्टली मैं आपको यार कार्ड में मिलूंगा, यार कार्ड में, ठीक है, अभी मैं इसको इस चीज को कंप्लीट करूंगा, ठीक है, ओके मैन। चलो सेकंड थर्ड पर ही गाड़ी चला रहा हूँ मैं, चलो ठीक है, वहाँ पे मिलता हूँ ऐसे भी।